आप देख रहे हैं दी इंडियननेस पर आज का इतिहास। मैं हूं प्राची तिवारी। 2 मई 1920 आज ही के दिन भारत के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक सत्यजीत रॉय का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि सत्यजीत रॉय 20वीं सदी के उन फिल्म निर्देशकों में से एक थे जिन्होंने फिल्मी जगत को एक नया आयाम दिया। 1955 में रे की पहली फिल्म पाथेर पांचाली को कान फिल्मोत्सव में मिले सर्वोत्तम माननीय प्रलेख के अलावा 11 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले थे। सत्यजीत रॉय ने कुछ 37 फिल्मों का निर्देशन किया था। साल 1992 में सत्यजीत रॉय को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन साल 1922 में भारत के और वो विलियर्ड्स खिलाड़ी पेशेवर विल्सन जोन्स का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि विल्सन जोन्स भारत के पेशेवर विलियर्ड्स खिलाड़ी थे जिनका पूरा नाम विल्सन लॉयनेल गार्टन जोन्स था। वो आजाद भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने विलियर्ड्स में विश्व चैंपियनशिप मुकाबला जीता था। इसके अलावा 1958 और 1962 में 2 बार विश्व चैंपियनशिप भी जीती थी। भारत सरकार की तरफ से उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, द्रोणाचार्य पुरस्कार और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 2 बार के विश्व चैंपियन रहे विल्सन जोन्स 12 बार विलियर्ड्स के राष्ट्रीय चैंपियन रहे और 5 बार स्नूकर के राष्ट्रीय चैंपियन रहे थे। आज ही के दिन साल 2008 में वर्मा में आए नरगिस चक्रवात में लगभग 1,30,000 लोग मारे गए थे जबकि इस तूफान में लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। चक्रवात के कारण हुई तबाही को देखते हुए वर्मा देश की सैन्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद अनेक देशों ने म्यांमार को मदद देने का ऐलान किया जिसमें भारत सरकार ने राहत सामग्री से भरे 2 समुद्री जहाज वर्मा में भेजे थे। आज ही के दिन साल 1968 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट को लोकसभा में मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि ये एक कर मुक्त बचत योजना है जिसके तहत पीपीएफ खाते में आए हुए ब्याज पर किसी तरह का कर नहीं लगता। पीपीएफ खाते में जमा की गई राशि पर कटौती का दावा किया जा सकता है जिसकी सहायता से पीपीएफ स्कीम भारत की सबसे बढ़िया कर मुक्त सेवाओं में से एक है। इस स्कीम को शुरू करने का असल मकसद भारत सरकार का लोगों को बचत के लिए बढ़ावा देना था। आज ही के दिन साल 1945 में जर्मन की आर्मी ने इटली में अपनी हार मानते हुए आत्मसमर्पण किया था। जर्मनी की इस हार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का ऐलान कर दिया गया था। आज ही के दिन साल 1519 में इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का निधन हुआ था। आपको बता दें कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा लोकप्रिय पेंटिंग में से एक है। तो आज के इतिहास में फिलहाल इतना ही।